नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला के YouTube चैनल पे। वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। प्रत्यक्ष इसका मतलब यही है कि जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो वो हर एक चीज़ से आशा रखता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों से आशान्वित होता है कि शायद वो उसकी मदद कर दे। और या तो जैसे आप जानते ही हैं कि डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि जब आप समस्या में होते हैं तो हर चीज़ से आशान्वित होते हैं कि शायद ये वाला फैक्टर आपको मदद कर दे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक और कहावत होती है कि व्हेन अ पर्सन इज़ वरीड तो ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड। या कोई भी आदमी जब कुछ पाने की कोशिश कर रहा होता है, किसी चीज़ में सफलता पाने की कोशिश कर रहा होता है, किसी मजबूरी से निजात पाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो किसी भी प्रयास को नहीं छोड़ता, हर प्रयास करता है और छोटी छोटी सक्सेस भी उसको कहीं ना कहीं होप देती है। तो इस विपरीत स्थिति में जहाँ पर पूरा देश समस्याओं से जूझ रहा है, हर एक जगह केवल एक ही चीज़ की खबर है, पेशेंट्स हैं और ऑक्सीजन की कमी है, लोगों की डेथ हो रही है, पूरा देश जो है इन सब समस्याओं से गुजर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं ना। तो इन सब के बीच में एक पॉजिटिव वाइब अगर मिले, पॉजिटिव खबर मिले, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर होती है और आपको ये जाननी भी चाहिए। तो मैं आपको इसी पॉजिटिव खबर के बारे में आपको बताने आया हूँ। देखिए, जो एक DCGI जो हमारी एक संस्था है ड्रग कंट्रोल की, तो उसने क्या किया है, अभी एक मेडिसिन को अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज़ करने के लिए। इसकी सॉफ्ट कॉपीज में आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इसको बताया हुआ है। और इंडिया न्यूज़ में ये खबर फ्रंट पे ही सॉफ्ट कॉपी में रखी गई है कि DCGI गिव्स इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ DRDO डेवलप्ड एंटी कोविड ओरल ड्रग। तो इसे आप कॉमन यूज़ में ओरल ड्रग के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो DCGI ने एक अप्रूवल दिया है मेडिसिन का, इस मेडिसिन को अब COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल पोजीशन में हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या जो क्या कहते हैं घर पे आइसोलेशन में, उनको उन पर यूज़ की जा सकती है। इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए 3 ट्रायल्स के बाद अनुमति DCGI द्वारा दे दी गई है। तो ये जो क्या कहते हैं मेडिसिन है, ये DRDO द्वारा डेवलप की गई है। DRDO की एक लेबोरेटरी है जिसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। तो DRDO और डॉक्टर रेड्डी की जो लेबोरेटरी है, मतलब डॉक्टर रेड्डी के सहयोग से DRDO ने डेवलप किया हुआ है इस ओरल ड्रग को, ठीक है। इस पूरे ओरल ड्रग का जो नाम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम 2DG मेडिसिन कहते हैं, ठीक है ना। 2-deoxy-D-glucose, मतलब 2DG मेडिसिन जो है वो ओरल ड्रग का ही एक नाम है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। जैसे हम कोरोना वायरस को हम लोग कोविड के नाम से जानते हैं, वैसे ही 2DG मेडिसिन को अप्रूवल मिल गया है। ये अप्रूवल ऐसे ही नहीं मिल गया है, ये मेडिसिन की शुरुआत जो है पिछली बार जब हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तो लास्ट ईयर ही इसके ट्रायल्स स्टार्ट हो गए थे, इसके प्रयास चालू हो गए थे। लास्ट ईयर के अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही थी। इसका जो सेकेंड ट्रायल हुआ था, सेकेंड ट्रायल ऑलमोस्ट आप देखेंगे लगभग मई एंड अक्टूबर के बीच हुआ था 2020 में, ठीक है। और जहां पर 11 हॉस्पिटल्स में इसका ट्रायल किया गया था, कुल 110 पेशेंट्स पे इसका ट्रायल किया गया था। ट्रायल के बाद जो रिपोर्ट आई थी बहुत ही सकारात्मक थी। इसके बाद भी थर्ड ट्रायल, कोई भी मेडिसिन को अप्रूवल देने के पहले ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरना होता है, तो थर्ड ट्रायल जो है वो हुआ था नवंबर 2020 में, 220 पेशेंट्स पे हुआ था और 27 कोविड के हॉस्पिटल्स पे हुआ था। और कई राज्य आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हर राज्य के पेशेंट्स इसमें शामिल थे। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई, जो सकारात्मक रिपोर्ट आई, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी। यहाँ तक कि जो ओल्ड एज्ड पर्सन है ना, उन पर भी इसका रिपोर्ट बहुत ही सकारात्मक रहा कि इस मेडिसिन के यूज़ से जो है वो लोग रिकवर हो रहे थे। अब अच्छा, रिकवरी की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि रिकवरी जब होगी तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा डिमांड है, जो एक क्राइसिस सा बन गया है ऑक्सीजन और बेड की मांग को लेकर के, तो अगर रिकवरी तेज होने लगेगी किसी मेडिसिन से तो ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, डिपेंडेंसी कम होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मेडिसिन, अगर इसका ट्रायल जैसा गारंटी लोग कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो सब कह रही हैं कि अच्छा ट्रायल है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हमारे यहाँ जो सिचुएशन अभी बदतर हो रही है वो बेहतर होने की पूरे चांसेस हैं। तो आगे देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिया भी गया कि 1 मई को जो है DCGI ने ग्रांट कर दिया है परमिशन कि इसे हम लोग COVID-19 पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी दिया गया है कि ये एक पाउडर के उसमें शशे में आएगी और इसे लोग डिसॉल्व करके पानी में आसानी से पी सकते हैं, ठीक है। तो
ये मेडिसिन अगर सक्सेसफुल रहती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मदद मिल जाएगी, और हमारा देश जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय, और COVID-19 पेशेंट्स का जैसे संख्या बढ़ रही है उसकी कमी हो सकती है, और ये निश्चित ही एक सक्सेसफुल काम हो सकता है DRDO के माध्यम से। DRDO लगातार रूप से जो है वो कोविड फाइट में सरकार की और देश की मदद कर रही है, और उसने एक मेडिसिन जो निकाली है ये क्या कहते हैं एक अच्छा कदम है, और सक्सेस रहा तो निश्चित तौर पर देश की स्थिति को सुधारने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो अभी तो इस पर ज़्यादा सारे यूसेज हुए नहीं हैं तो ज़्यादा इस पर बात किया नहीं जा सकता है, जैसे ही इसके और भी रिजल्ट्स आते हैं हम इस पर दोबारा आपके साथ अपडेट होंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज साथ साथ एजुकेशनल वीडियोज हम लोग देते रहते हैं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे इसके अपडेट के साथ।